नमस्कार। बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। जी हां, खेल का जिक्र होता है तो हमारे मन और मस्तिष्क में क्रिकेट ये नाम आता है। वैसे तो क्रिकेट खेल का इतिहास 16वीं सदी से शताब्दी से है और ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि क्रिकेट के दीवाने पूरे देश में देखे जाते हैं। और आज हम क्रिकेट को लेकर बात करने वाले हैं वकीलों से। जी हाँ, पेशा अलग है लेकिन खेल खेल होता है, वो कहते हैं ना, वो सही है। जो वकील है वो उनकी द्वारा जो है क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का जो है आयोजन किया जाता है, वो किस तरह से होता है, किस तरह से वो इस लीग का आयोजन करते हैं और कैसे इसमें खिलाड़ियों का चयन होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे इस जो NAPL के ओनर हैं, NAPL टीम में जिनकी लीग में जो है उनकी टीम खेलती है उसके ओनर है एडवोकेट प्रकाश जायसवाल और आयोजक जो है एडवोकेट धर्मराज बोगाटे। सर, इनसे हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सर आप हाई कोर्ट में सीनियर वकील हो और ऐसे में आप मुझे बताइए कि आपका जो पेशा है बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, ऐसे में एक टीम के आप ओनर हो और वो जो टीम है हर बार अच्छा प्रदर्शन करती है, कैसे मैनेज करते हो सर? देखिए, हमारे वकीलों में बहुत विभिन्न प्रतिभाओं के धनी वकील है। खास तौर पर हम सभी लोगों के ध्यान में ये आया कि वकील बड़े पैमाने पर क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और उनका पीछे का बैकग्राउंड क्रिकेट का बहुत अच्छा रहा है। जैसे पिछली बार, सबसे पहली बार इस बात के लिए तो मैं सबसे पहले धर्मराज बोगाटी जो इसके संयोजक है इनको बधाई देना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि इन सारी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम NAPL के माध्यम से धर्मराज बोगाटी और उसकी टीम जो भी है उन सारे लोगों ने मिलकर किया। आज करीब 250 वकील जो है वो आज रजिस्टर्ड है NAPL में और 250 वकील, जैसे हमारे बार की टोटल स्ट्रेंथ करीब 7000 है, उसमें से 250 वकील लेदर बॉल का क्रिकेट खेलते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट लेवल पर खेलने वाले अनेक खिलाड़ी हमारे नागपुर में इस वक्त उपलब्ध है जो वकीली के पेशे में भी है। और अगर आप जब जब मैचेस चलते हैं तब आप ग्राउंड में आकर देखेंगे तो सारे प्रोफेशनल बहुत अच्छे ढंग से खेलने वाले खिलाड़ी ये वकीलों में देखने के लिए मिलते हैं। लेदर बॉल से जब मैचेस होते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि जिस तरीके से मैचेस में देखते हैं कि इंजर्ड होते हैं बैट्समैन या बॉलर या फील्डर ग्राउंड पे, मगर पिछले 2 NAPL में इतना फिटनेस था वकीलों में कि किसी भी मैच में एक भी वकील इंजर्ड नहीं हुआ। हमारे वकीलों में जो क्रिकेट की प्रतिभा है और बहुत सारे वकील जो है वो VCA से कनेक्टेड है या VCA में खेलते हैं, ये सारे लोगों को जमा करने का काम NAPL के माध्यम से धर्मराज बोगाटी और उनकी टीम ने किया। मेरा सवाल अगला जो है बोगाटे सर से है, मुझे ये बताइए सर आप खुद एक वकील हो और ऐसे में इस तरह का आयोजन करना कैसे आपके जहन में आया? और बल्कि जो बिजी शेड्यूल रहता है वकीलों का, हम सबको पता है कि 5 बजे तक कोर्ट में केस स्टडी हो, ये सब में उनका जो वक्त रहता है उसमें वक्त जाता है, तो ऐसे में आपने किस तरह से सोचा और ये जो आपने NAPL की स्थापना की उसके तहत 2 सालों से आप टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हो और ये 3रा साल है, क्या बताओगे इसके? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। ये सवाल के बारे में मैं प्रकाश सर का आशीर्वाद, मैं सबसे पहले जब मैं टूर्नामेंट चालू करने वाला था कि मुझे जब थॉट आया कि IPL जैसा होता है वैसे वकीलों के लिए क्यों ना टूर्नामेंट हो जाए, जैसे IPL इंडियन प्रीमियर लीग है वैसे नागपुर एडवोकेट प्रीमियर लीग है, उसका वकीलों की एक इच्छा रहती कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिले खेलने का। और लेदर बॉल क्रिकेट, अभी तक लेदर बॉल क्रिकेट नागपुर में आया ही नहीं था, तो मैंने प्रपोजल प्रकाश सर को दिया था कि सर मैं लेदर बॉल टूर्नामेंट करना चाहता हूँ। तो प्रकाश सर ने मेरे को एक ही चीज़ बोला है कि धर्मराज मेरा हमेशा आप पे आशीर्वाद रहेगा, आप जो करेंगे मुझे एक बार बता देना। और मैं उनके आशीर्वाद से टूर्नामेंट पूरा किया, उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया कि ऐसा टूर्नामेंट रहेगा, T20 मैचेस रहेंगे, उसके ऑक्शंस होंगे। पहले साल जब टूर्नामेंट हुआ तब 91 प्लेयर ने रजिस्टर किया था और काफ़ी प्लेयर खेलने के उनके इच्छुक थे। तो सेकेंड NAPL में ऐसा हुआ था कि 170 प्लेयरों ने रजिस्ट्रेशन किया और सर ने बोले कि इस साल 250 प्लेयर है। 250 प्लेयर का आंकड़ा ऐसा है कि इस साल जब रजिस्ट्रेशन साइट चालू हुई तो 5 दिन में 250 प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और साइट का क्लोजिंग ही 250 प्लेयर का था, तो 5 दिन में 250 प्लेयर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसके बाद साइट ऑटोमेटिक क्लोज हो गई,
तो मुझे काफी वकीलों के फोन आए कि साइट ओपन करो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था कि लिमिटेशन था 8 टीम होने की वजह से कि लिमिटेशन 250 प्लेयर ही ले सकते थे। तो इस प्रकार एनईपीएल का शुरुआत हुआ है और इसमें काफी जजेस लोग का भी इंटरेस्ट रहता है, सीनियर वकीलों का आशीर्वाद रहता है और एक आदमी से ये टूर्नामेंट होता नहीं है। इसमें आपको मेहनत, आपको उसमें अपना टाइम और आपका सब कुछ उसको देना पड़ता है। और इसमें मेरी कमेटी को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ और इसमें कमेटी में काफ़ी अच्छे लोग हैं, विवास तुकनेकर, अनिल गुलानी सर, नितिन तेलगुड़े साहब, इनका भी आशीर्वाद मेरे से जुड़ा हुआ है और बाकी कमेटी मेंबर का आशीर्वाद मुझसे जुड़ा हुआ है। और प्रकाश सर के बिना टूर्नामेंट होना नहीं था, पहले साल से इनकी टीम उनके अंदर में मैं खेला हूँ और पहले साल से कंटिन्यू 3 साल इनकी टीम रही है और आगे भी रहती है, इसका मुझे विश्वास है, इसलिए ये टूर्नामेंट ऐसा चालू हुआ। बिल्कुल, मेरा ये भी सवाल है आपसे कि ये जो लेदर बॉल की प्रतियोगिता है ये सिर्फ नागपुर में खेली जाती है या महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी इसे खेला जा रहा है? इसमें इस साल क्या हुआ है कि पहले साल जब टूर्नामेंट हुआ तो सिर्फ नागपुर के ही प्लेयर इसमें थे, इसलिए आंकड़ा थोड़ा कम था। सेकेंड साल जब ये टूर्नामेंट हुआ तो ऑल ओवर विदर्भा में टूर्नामेंट चला, अकोला के प्लेयर आए, चंद्रपुर के प्लेयर आए, गढ़चिड़ के प्लेयर आए, यवतमाल के प्लेयर आए, वर्धा की टीम भी थी। और इस साल जब एनईपीएल हुआ तो इस साल एनईपीएल में ऑल ओवर महाराष्ट्र के प्लेयर ने अपना विश्वास जताया एनईपीएल में। और इंडिया जो हर साल 5 प्लेयर जो इंडिया प्लेयर, निनाद मजुमदार, अरमान शेख, अजय सितोले साहब, जितने भी 5 प्लेयर हर साल इंडिया खेलते हैं, वो टीम ने इस साल एनईपीएल में उन्होंने सहभाग किया है। और उसमें से प्रकाश सर के टीम में जो जयराज गोलकर है जो हर साल इंडिया खेलता है, वो प्रकाश सर के टीम में इस बार है, तो ये भी मैं कहना चाहूंगा। प्रकाश सर से मेरा एक सवाल है, सर आपके इस बिजी शेड्यूल में से आप कैसा समय निकालते हैं और बीते 3 सालों से आप एक टीम के ओनर हो जो एनईपीएल में खेलती है और वो फाइनल में जाती है, वही टीम जो है फाइनल में जाती है और जीतती है, तो ऐसे में क्या बताओगे सर आप? इसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में ये होता है कि आपके सामने 250 वकीलों के नाम है, उसमें से आपका एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं। इनिशियली 4 प्लेयर सबके पास होते हैं और वो 4 प्लेयर के अलावा जो बाकी की टीम होती है वो उसमें हम लोग हर साल अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्लेयर का अवार्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हर साल धर्मराज बुगाटी जी को ही मिलता है। उसका कारण ये है कि इनके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और अच्छा बैटिंग का परफॉर्मेंस हर साल बहुत अच्छा होता है। और आज से कई साल पहले हम लोग जस्टिसिया करके एक प्रोग्राम होता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें उस वक्त एक 2-व्हीलर इनको गिफ्ट मिला था इनके ऑलराउंड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो वकीलों का जो क्रिकेट है, इसकी सिर्फ नागपुर की टीम नहीं है, ये महाराष्ट्र की भी टीम होती है और एक नेशनल टीम होती है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक मेरे मित्र ने बताया कि इंडियन लॉयर्स की जो टीम है वो और पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तान लॉयर्स की जो टीम है, उनका भी कुछ समय पहले फाइनल मैच हुआ था। इस तरीके से हम लोगों की कल्पना ऐसी है कि यहाँ से जो फाइनेस्ट लॉयर्स जो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कम से कम 2 या 3 खिलाड़ी नागपुर से मतलब नेशनल टीम में जाए, ये हम सब लोगों की एक संकल्पना है। इसके लिए हम लोग सारी कोशिशें इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये सारे जो मैचेस होते हैं इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग जो करता है वो नेचुरली कहीं ना कहीं क्लिक होता है और वो नेशनल टीम में जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसमें खिलाड़ियों का चयन किस तरह से होता है, क्या बताओगे? इसमें आजकल सबका अगर प्रोफाइल देखना है तो इंटरनेशनली जो जितने प्लेयर खेलते हैं, क्रिकेट करके एक साइड है जिसमें जो प्लेयर क्रिकेट खेलता है उसका पूरा डाटा उसमें क्लब रहता है। जैसे हम भी हमारे मैचेस पूरे लाइव रहते हैं, उसके स्कोरिंग भी पूरे लाइव रहते हैं और अंपायरिंग भी वीसे से अंपायर हमारे आते हैं, तो उनके स्कोरिंग जितना उनका डाटा रहता है, उनका परफॉर्म रहता है, वो क्रिकेटों के साइड में अवेलेबल रहता है। तो उस हिसाब से वो प्लेयर का कैटेगरी हम चूज करते हैं कि वो प्लेयर कौन से लेवल का प्लेयर है और कौन से उसका परफॉर्म है। जैसे कोई प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है कि उसका परफॉर्म एवरेज के हिसाब से और उनका बॉलिंग परफॉर्म के हिसाब से दिख ही जाता है, तो उस हिसाब से प्लेयर की कैटेगरी हम रखते हैं और उस हिसाब से प्लेयर का चयन होता है। प्रकाश सर से मेरा एक सवाल है, सर किसी भी खेल के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो टीम की प्रैक्टिस को लेकर आप किस तरह से शेड्यूलिंग करते हो, क्या बताओगे? जब मैचेस हमारे फाइनली शेड्यूल हो जाते हैं तो उसके एक महीने पहले से प्रैक्टिस चालू होती है।
ये सारे प्रैक्टिस में और ग्राउंड पर एक बिहाइंड बैक एक सबसे हम सब लोगों के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वो है अनिल गुल्हाने, एडवोकेट अनिल गुल्हाने जो है वो सारे जो प्रैक्टिस करने के लिए जो बच्चे आते हैं या अलग अलग ग्राउंड्स पे जो अपना अपना बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे उन सारे लोगों को एनकरेज करने के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। नॉट ओनली दिस, जितने दिन मैचेस होते हैं उसमें सारा फूड बाकी सारी जो व्यवस्था है ट्रॉफीज है ये सारी जो व्यवस्था है वो अनिल गुल्हाने एडवोकेट अनिल गुल्हाने करते हैं। वो जब ग्राउंड पर मैचेस होने के पहले एक महीने पहले से सिलेक्शन हो जाने के बाद एक महीने तक ग्राउंड पर सब अपनी अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि एक दूसरे से ठीक ढंग से इंट्रैक्शन हो क्योंकि अलग अलग फील्ड से आए हुए वकील होते हैं वो, और उसमें अच्छी बॉलिंग किसकी है बैटिंग कौन अच्छी करता फील्डिंग कौन अच्छी करता बिकॉज 20 लोगों का टीम है उसमें से 11 ही खेलेंगे तो इसलिए वो सारा का सारा प्रैक्टिस में हम लोगों को मालूम। बिल्कुल, मुझे ये भी पूछना है सर आपसे कि ये NAPL जो है इसका 2 सालों का सफर कैसा था, 8 टीमों के साथ जो है ये NAPL शुरू हुई थी आज तक का सफर कैसा रहा है क्या बताओगे? इसमें ये है कि स्टार्टिंग से प्रकाश सर की टीम रही है और पहले साल जो 4 टीम थी उसमें नागपुर डिवीजन की पूरी उसमें टीम 4 टीम में 16-16 टीम के प्लेयर्स के अपन 4 टीम में रखे थे। उसका सेकेंड ईयर में विदर्भ लेवल की टीम हमने इनक्लूड किए थे और इस साल 8 टीम है उसमें से औरंगाबाद की एक टीम है दूड़े करके उनमें ठाकुर चैलेंजर्स, अकोला की एक टीम है जिजाऊ वॉरियर्स, वर्धा की एक और वर्धा नागपुर की एक टीम है NBW यूनाइटेड, OTP वॉरियर्स करके एक टीम है, उसके बाद ऐसे 8 टीम्स है एडवोकेट नागपुर हमारे प्रकाशक की टीम है, नितिन तेलगुर साहब की एक टीम है, नीलेश जांगीर की नागपुर 100 टीम है, ऐसे 8 टीम है। 8 टीम में हमने 20-20 प्लेयर्स का हमने उसमें ये किया है। 20-20 प्लेयर के बाद उसकी जो मैचेस है हम 25 अक्टूबर से तो 29 अक्टूबर तक रहेगा और ये पूरे मैचेस लाइव रहते हैं और उसके पूरे स्कोरिंग भी पूरे लाइव रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर सीनियर का अगर साथ नहीं रहा तो प्रकाश सर हमारे, अभय सर, रंजन देशपांडे सर, नितिन तेलगुर साहब और मोस्ट अनिल गुल्हाने साहब, इन सबके आशीर्वाद से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और सीनियर का आशीर्वाद के बिना टूर्नामेंट चलते ही नहीं। तो मैं थैंक्स प्रकाश सर ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर मी, तो यही टूर्नामेंट का पूरा ये कर्पूर रहता है। 8 टीम इस साल पूरे महाराष्ट्र से प्लेयर खेल रहे हैं। कितनी टीमें इस साल शामिल हो रही है? अक्टूबर में NAPL का भी अभी मैच होने वाला है तो कितनी टीमें आने वाली है, कहाँ कहाँ से आने वाली है, किस तरह से इसका आयोजन होने वाला है? 8 टीम अभी आपको बताया, 8 टीम है, औरंगाबाद, अकोला, वर्धा और जलना और चंद्रपुर की टीम है और नागपुर से 4 टीम है, ऐसे करके पूरे महाराष्ट्र लेवल से 8 टीम आ रही है। क्रिकेट जो है क्रिकेट को हर किसी ने दीवाना कर रखा है और इससे कोई अछूता नहीं है, चाहे अपना प्रोफेशन अपना व्यवसाय कुछ भी हो और उसी में शामिल है नागपुर के वकील भी। बिल्कुल जी हाँ, बहुत ही होनहार प्लेयर्स इनके पास है और इनकी ओर से NAPL लीग का जो है आयोजन हर साल किया जाता है उसी श्रृंखला में इस साल भी अक्टूबर में इसका आयोजन हो रहा है जिसमें पूरे महाराष्ट्र भर से वकील प्लेयर जो है क्रिकेट के वो यहाँ इसमें शामिल होने वाले हैं। और इसी संदर्भ में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है हमें आज प्राप्त हुई है एडवोकेट प्रकाश जायसवाल सर से और एडवोकेट धर्मराज बोगाटे सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप यहाँ आए और आपके NAPL जो क्रिकेट टूर्नामेंट होती है लीग है उसके बारे में आपने जानकारी दी और बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने में इससे बहुत ही अच्छा हमें सहयोग मिला है आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।